देखिए, बीती रात बहुत ही चुनौती भरी हुई थी। आज नई सुबह फिर वही उत्साह, वही साहस के साथ टीम गुजरात ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से, सरकार की प्रोएक्टिव कामगिरी के कारण आज सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार के कैजुअलिटीज की खबर नहीं है। कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पूरे गुजरात में 22 जितने पुलिस के जवान हमारे जख्मी हुए हैं, सेवा करते करते जख्मी हुए ये जवानों की इलाज भी अस्पताल में चालू है। इस प्रकार की तेज हवा और बारिश के कारण कई जगहों पे बिजली के खंभे गिरे, पेड़ गिरे और छपरे वाले मकानों को नुकसान हुआ है। कच्चे मकान के भी गिरने की खबर आई है। कल भारी बारिश और हवा के बीच में जब साइक्लोन जब लैंड हुआ, तभी भी शहरों में जहां पेड़ गिरने की खबर आई, बिजली के खंभे गिरने की खबर आई, वहां पे गुजरात पुलिस, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ और पीटीएफ की टीम ने साथ मिलकर अलग अलग जगहों पे पेड़ एवं बिजली के खंभे तात्कालिक हटाए। तेज हवाओं के बीच में जिस प्रकार से टीम काम कर रही थी, उनको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि देश के एक एक लोगों को उनपे गर्व हो, उस प्रकार का काम कल टीम ने किया है। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से सरकार ने समंदर के तट पे बसे हुए गांवों को, हजारों लोगों को, हजारों नागरिकों को स्थलांतरित किया और उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। कल पूरे देश के नागरिकों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगहों पे अलग अलग लोगों ने गुजरात के नागरिकों की सुरक्षा की प्रार्थना की। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां ये साइक्लोन प्रभावित नहीं है, वहां के सेवाकीय संस्था जो है उन्होंने सरकार के लोगों के साथ मिलकर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मदद की। आज आप देख सकते हो कि सभी जगहों से लोग आके मदद में जुड़े हुए हैं, सभी प्रशासन के लोग इतने ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। कल शाम को प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट मैंने पढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने मात्र मानव जीवन बचाने की या उनकी चिंता नहीं की, मेरे गुजरात के गिर में बसते हुए एक एक शेरों की चिंता उन्होंने की, गुजरात के सभी प्राणियों की चिंता उन्होंने की, गुजरात के गांवों की चिंता की, गुजरात के गांवों के नागरिकों की खबर ली, गुजरात के गांवों में बिजली, पानी एवं जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनकी उन्होंने चिंता की। मुख्यमंत्री जी कल सुबह से सभी जिला प्रशासन के साथ सीधे संपर्क में थे। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ दिन में अनेक बार बात की। कल रात को 4 बजे जब उनका फोन आया, सभी लोग थके हुए थे, सुबह से काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मानव जीवन बचाने का यह सबसे उत्तम काम है, मानवता के लिए सभी लोगों को रात दिन काम करते रहना है और थकना नहीं है, हमें